मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़ वो बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ के जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे, उनसे बात ही करना मुश्किल है। यहां तो अफवाह उड़ती है, प्राणायाम हिंदुओं की तकनीक है और हिंदू प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अरे यार, और हमारे जो नियो एजुकेटेड लॉबी है, अर्बन एलाइट, व्हाट हैपेंस विद डूइंग प्राणायाम, प्राणायाम विल क्योर एवरीथिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, इनसे तो कोई बात ही ना करे। एक सन्यासी इनके पास पहुंचा, राजा जनक के पास। उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते, और तुम राजा होकर भोग विलास में रहकर तुम दामेबाज हो, तुम धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ध्यान, तुम कैसे जागृत हो? जय हिंद फ्रेंड्स। भारत की जो पहचान है वो किससे है? जनक से। राजा जनक, एक सन्यासी इनके पास पहुंचा, राजा जनक के पास। उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते, और तुम राजा होकर भोग विलास में रहकर तुम ड्रामेबाज हो, तुम धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ध्यान, तुम कैसे जागृत हो? राजा जनक ने कहा कि बंदी बना लो इसको, इस संत को बंदी बना लो। बंदी? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप मुझे बंदी बना रहे हैं? हाँ, बोले बिल्कुल बंदी बना लो। महात्मा जी को बंदी बना लिया गया। बोले शाम को लाओ उसको दरबार में। शाम को महात्मा जी को दरबार में लाया गया। राज नर्तकी को बुलाया गया और नृत्य की शुरुआत की गई। नाच गाना शुरू करो और महात्मा जी के सर पे घड़ा रखो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ, और नाच शुरू हुआ। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, और लोग वाह 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 वाह, और क्या बात है, क्या बात है। और जनक ने महात्मा जी से कहा कि सुनो महात्मा जी, इस नर्तकी के साथ चक्कर लगाने हैं, और कंडीशन यह है कि अगर एक बूंद भी तेल घड़े से गिरा तो ये दो सिपाही तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से तुरंत अलग कर दी जाएगी। अरे बोले महाराज, हमको सवाल का जवाब नहीं चाहिए। बोले ना, सात चक्कर सात। वो नर्तकी नाचे जा रही थी, महात्मा जी चक्कर लगाए जा रहे थे, एक चक्कर दो चक्कर सात चक्कर लगाए, और एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। सातवां चक्कर पूरा हुआ, महाराज जी ने तुरंत घड़ा रखा, बोले सरकार में जाऊं। बोले जवाब मिला? गौर करिएगा, हम सबकी यही मुसीबत है। बोले जवाब मिला? अरे बोले जवाब खाक में मिला, तुमने जिंदगी मेरी दांव पे लगा दी। नहीं नहीं, बोले जवाब मिला कि नहीं? बोले जवाब नहीं मिला, मैं जा रहा हूं। बोले महात्मा जी, तुमने मुसीबत में ध्यान लगाया। हम सब ध्यान लगाते हैं, बहुत लोग आज प्राणायाम पूछ रहे, फोन करते हैं, भस्त्रिका में सांस खींच के नीचे से ही निकाल दे। अबे नीचे से कहां से निकालोगे? वो देखो प्रफुल्लित पीटर, एक फेफड़ा है, प्राणायाम करती है, एक फेफड़ा, एक लंग्स है, एक। यहां तो अफवाह उड़ती है, प्राणायाम हिंदुओं की तकनीक है और हिंदू प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अरे यार, और हमारे जो नियो एजुकेटेड लॉबी है, अर्बन एलाइट, व्हाट हैपेंस विद डूइंग प्राणायाम, प्राणायाम विल क्योर एवरीथिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, इनसे तो कोई बात ही ना करे। अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़ वो बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ के जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे, उनसे बात ही करना मुश्किल है। आप फोन कर रहे हैं, प्राणायाम मतलब सांस पेट तक आए। हाँ, सांस पेट तक, पैनक्रियास को टच होनी चाहिए। कैसे पता चले पैनक्रिया? अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, एक दिन में प्राणायाम नहीं होता। हाँ, लेकिन शुरू करोगे तो 10 दिन में हो जाएगा,
और फायदा पहले दिन से करेगा। और प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान है। योग मतलब दो, एक सांस, एक आपकी चेतना। जब दोनों मिलेंगी एक दिन में परिणाम मिलेगा सर, एक दिन में। मेरे एक दोस्त है, उनके भाई एडमिट है, 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो गया। मैं गया उनसे मिलने, कहीं ना बता हॉस्पिटल मत जाओ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। हॉस्पिटल गए, पीपीई किट पहन के। हमने कहा एक बात बताएं दोस्त, बचा देंगे तुमको, बस जैसे कह रहे हैं वैसा करते कर लो। चेतना हर बड़ी में मत करो ना। योग किसका? सांस का और चेतना का। और ये जो चेतना है ना सर, ये ओमनीसिएंट है सर, ओमनीपोटेंट है सर, ओमनीप्रेजेंट है। एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया, अरे सर पहले दिन फायदा करेगी सर, शांति से, चैतन्य से, ध्यान से। तो राजा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज आपने डर में ध्यान को साधा, डर में, मौत का खतरा था, लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूं और तुम सन्यासी होकर भी उलझे हुए हो। मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। लेकिन ये पुरोहित समझाता है, पुरोहित भी जरूरी है सर, पुरोहित बच्चों के लिए होते हैं सर, पुरोहित बड़ों के लिए नहीं होते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं बच्चों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मैं बड़ों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि तुम अभी भी नहीं समझे। इसलिए जब भी कोई धर्म सिर्फ पुरोहितों के अधीन हो जाता है तो उस धर्म के मानने वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिलिस्तीन को देखो। तो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज एक बात और स्पष्ट कर दें, ये दुनिया में हम उलझे क्यों हैं? राजा जनक, राजा और जनक, जैसे हमारे बड़े सारे भाई कहते हैं, हमारे बड़े सारे पेरेंट्स हैं, वो हमको फोन करते हैं। मैं तो वो हमारे तहसीलदार साहब हैं इंदौर के, राधिका के पिताजी, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में भेज रहे हैं। मैं उन्हें शत शत, मैंने उनको फोन करके कहा कि महाराज प्रणाम है आपको कि आप अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में। राधिका चौधरी, हमारे मां बाप, मैं बहुत सारे पेरेंटों से कहता हूं कि सर बच्चे को बोलिए ध्यान योग कर। अरे हम आईएएस बनाने के लिए कह रहे हैं, आप उसको भगोड़ा सन्यासी बना दे, वो घर छोड़कर भाग जाएगा। कौन बोला? ये जनक, ये राजा है। राम राजा है, कृष्ण राजा है, ये राम कृष्ण, ये सब जागृत नहीं है। तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दिए। हाँ बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है? बोले फिर तो राजा जनक गए, एक खंभे को पकड़ लिया उन्होंने और खंभे से कहा छोड़ मुझे बदतमीज छोड़। सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, एक ड्रामा किए शाम को, एक ड्रामा फिर कर रहे हो, तुम खंभे को पकड़े हो। बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुआ, ये छोटी वाली बुआ, एक दो जहर काफी नहीं है? और फिर दो दो घर शादी के बाद, शादी से पहले आदमी का एक घर रहता है, अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी मौसी, वो कम जीवन में कष्ट देने के लिए शादी के बाद दो घराने एक हो जाते हैं, एक पति की बुआ, एक पत्नी की, एक पति की मौसी, एक पत्नी की। क्या भगवान ने अब निपटो, एक से निपटना मुश्किल है, दो। भारत, राजा जनक, राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर से लेकर आज पंडित सदगुरु तक यह धारा बनी हुई। पश्चिम की भी अपनी एक धारा है सर, पश्चिम की भी एक धारा है। आइंस्टीन, फ्रायड,
कांट। हाउ अबाउट स्पेंसर, रेने डेकार्ट्स, लाइबनीज? हमारी उपलब्धि कहां है? स्पिरिचुअलिज्म में। उनकी उपलब्धि कहां है? मैटेरियलिज्म में।